तो आपके इस वीडियो में एक छोटी सी टॉपिक इग्नू के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इग्नू क्या होता है, इसका मुख्यालय कहाँ है और इसका उद्देश्य क्या होता है। बस इसको समझ जाते हैं दोस्तों कि इग्नू वास्तव में होता क्या है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, इग्नू का जो फुल फॉर्म है, इसका पूरा नाम है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, इस यूनिवर्सिटी का नाम हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 1985 में हुई थी। इसका मुख्यालय राजधानी दिल्ली में है। ठीक है, तो ये हो गई ओपन यूनिवर्सिटी यानी कि इग्नू की बातें। अब इसमें कुछ खास बातें, यह केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती है। ये थोड़ा सा याद रखने वाली बात है कि इसका नियंत्रण कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। देश में जिसकी सरकार होगी उसी की सरकार ये इसको क्या करती है, कंट्रोल करती है। और सबसे खास बात ये कि यह दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। भारत और अन्य 33 देश के लगभग 40 लाख विद्यार्थी इसमें अध्ययन करते हैं। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसकी और एक और चीज़ देखिए, इग्नू ओपन यूनिवर्सिटी है जो ODL मॉडल पर आधारित है। अब ODL मॉडल क्या होता है, ODL मॉडल यानी कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। ओके, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो हर श्रेणी के लोगों को शिक्षा प्रदान करने का अवसर देती है। यह यूनिवर्सिटी खास तौर पे ऐसे लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी है जो किसी कारणवश डेली स्कूल या कॉलेज नहीं जा सकते, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में हम घर बैठे सिर्फ एग्ज़ाम देकर डिग्री हासिल कर सकते हैं। तो ये है इग्नू की खास। और एक और चीज़ जान लीजिए दोस्तों कि इस यूनिवर्सिटी का पढ़ाई करने का तरीका बाकी यूनिवर्सिटीज से काफ़ी अलग है। क्यों अलग है, इसमें बाकी यूनिवर्सिटीज़ की तरह क्लासरूम में डेली नहीं जाना पड़ता है। ठीक है, बल्कि इसके स्थान पर स्टूडेंट खुद ही स्टडी मटेरियल का इस्तेमाल करके अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो ये हो गई इग्नू के बारे में। थोड़ी सी और इग्नू के बारे में जान जाएंगे कि इग्नू इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की कोई एज लिमिट नहीं होती। ऐसे बहुत सारे कोर्सेस हैं जिनमें एडमिशन लेने के लिए एज लिमिट होती है, इसलिए ओवर एज होने के कारण बहुत से लोग अपना मन चाह कोर्स नहीं कर पाते, किंतु वह कोर्सेज हम इग्नू यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, क्योंकि इग्नू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने की कोई भी एज लिमिट नहीं है, हर उम्र के लोग एडमिशन ले सकते हैं। समझ में आ रही बात, बहुत खास। देखिए, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि रटा जाए, पढ़ा जाए, समझा जाए। एक बार न्यूज़पेपर की तरह, एक बार डॉक्यूमेंट्री की तरह पढ़ डालिए, बाकी चीज़ें तो आप एग्जाम्स में स्वयं लिख जाएंगे। एक और चीज़ जान जाइए इग्नू के बारे में कि इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जिन्हें कम मार्क्स मिलने से किसी कॉलेज या स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता, अब मान लीजिए किसी का परसेंटेज कम है, अब उसे कोई MBA नहीं करा रहा, उसे कोई BEd नहीं करा रहा, वेलकम टू इग्नू, इग्नू में आपका स्वागत है, वो सभी इसमें एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि इग्नू में मिनिमम मार्क्स की कोई लिमिट नहीं होती। आप अगर पास हैं तो आप आइए, एडमिशन आपको मिल जाएगा। और एक और चीज़ जान जाइए, इस यूनिवर्सिटी की सबसे खास बात यह है कि इसमें साल में 2 बार एडमिशन लिया जाते हैं, इसलिए अगर किसी कारण से आप अपनी रेगुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाए हैं तो आपको 1 साल का इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ 6 महीने बाद इग्नू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, वह कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, इस यूनिवर्सिटी का फॉर्म हर साल जून और दिसंबर में भरे जाते हैं। तो ये हो गई भाई। तो दोस्तों, ये थी इग्नू के बारे में कुछ बेसिक जानकारियाँ। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अब एक और चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है, वो क्या है कि इग्नू का उद्देश्य क्या है भाई, इग्नू से फ़ायदा क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। और साथ ही साथ एक चीज़ और, आप स्वयं सोचिए, स्वयं लिखने की कोशिश करिए और स्वयं उत्तर फाइंड आउट करने की कोशिश करिए कि इग्नू की विशेषता क्या है। अगर बात इग्नू की विशेषता की जाए तो इग्नू की विशेषता यही है कि वह ODL मॉडल पे काम करती है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोवाइड करती है। तो ये इसकी एक विशेषता हो गई। ठीक है, इसकी विशेषता एक और ये भी हो गई कि हम इस यूनिवर्सिटी से घर रह के ही एग्ज़ाम देकर ही पढ़ाई कर सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी की एक और विशेषता यह है कि यह स्टडी मटेरियल से खुद से अध्ययन करने के लिए कहती है। तो ये सारी चीज़ें इसकी विशेषताएँ हो गई। ठीक है दोस्तों, आपको अगर किसी कारण पर डेली स्कूल नहीं जा सकते तो डेली स्कूल जाने की, कॉलेज जाने की भी ज़रूरत नहीं है, ये इसकी विशेषता हो गई। एक और विशेषता यह है कि इसकी कोई एज लिमिट नहीं है, हर उम्र के लोग इसमें पढ़ सकते हैं। और एक और विशेषता ये हो गई दोस्तों कि साल में 2 बार एडमिशन लिया जाता है और एडमिशन्स के लिए कोई मिनिमम मार्क्स की लिमिट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इसकी विशेषता हो गई। ठीक है, स्वयं से लिखना है आपको। और दूसरी बात दोस्तों, इसके उद्देश्य देख लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या है भाई, इसका उद्देश्य यही बात है कि डिस्टेंस और ओपन लर्निंग से जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं, जो अपने आप को कम समझते हैं, जिसके पास टाइम नहीं है वो भी डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ सकते हैं। ओपन यूनिवर्सिटी से बच्चे खुद से अध्ययन करने का अवसर पाते हैं और दोस्तों साक्षरता में वृद्धि होती है।
साक्षरता तो लिटरेसी रेट बढ़ता है, जितने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रहेंगे देश के लिए उतना ही ज़्यादा अच्छी बात है। और तीसरा दोस्तों, प्रशिक्षण पुनः प्रशिक्षण हेतु अवसर प्रदान होगा उन सब बच्चों का, ज्ञान प्राप्ति एवं ज्ञान के स्तर के उन्नयन को बढ़ावा मिलेगा। तो कहने की बात यही है, इग्नू एक ऐसा विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी का मतलब यहाँ पे आपको डेली कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा, ओपन का मतलब आप घर से भी पढ़ सकते हैं। तो यही इग्नू जो है एक विश्वविद्यालय है, दुनिया की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय है, ठीक है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है, इसकी स्थापना 1985 में हुई थी और इसका नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नाम पर रखा गया। तो ये भी इसकी बेसिक जानकारी हो गई। उम्मीद है दोस्तों आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब इससे संबंधित अगर कुछ सवाल आता है तो आप स्वयं से बना के लिख सकते हैं, उम्मीद करता हूं मैं, ठीक है। जय हिंद जय भारत दोस्तों। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया तो। मैं मोस्टली कहता नहीं हूँ मगर हाँ, प्लीज़ कर दीजिए। ओके, जय हिंद जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना खूब ख्याल रखिए। जय हिंद।